नमस्कार, जय श्री राम, राम, सभी सभी को को राधे राधे राधे। राधे। सब लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, हाय। तो आज छोटी सी वीडियो का हम स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा सा व्लॉग आप सबके साथ शेयर करेंगे। जिस तरह हर वीडियो हर व्लॉग पे आप प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हर लाइव हमारा बिलियन से क्रॉस करा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीरियसली यही होता है प्यार। और एक वीडियो हमने सचिन मीना 361 पे डाल दिए, बच्चों के कपड़े वगैरह जो हमारे पार्सल आए थे। और दूसरा हम बनाएंगे व्लॉग, ये फुल डे का व्लॉग। तो जान बची और लाखों पावत। आज क्या कहते हैं, अंजलि भाभी सब्जी बना रही हैं और आराम से डालो, मेरे यहाँ पर भी छींच आई है, तो आराम से डालो। आलू की सब्जी बन रही है। तो जान बची लाखों पावत। और बिना यानी कि कभी कभी मैं बनाता था, तो आज पहली बार आपने ब्लॉग में देखा होगा कि अंजलि भाभी सब्जी बना रही हैं आलू की। तो देखते हैं, आप सभी को दिखाते हैं कि इनके हाथ का स्वाद भी कैसा है। और बने रही है ब्लॉग में, इनका इंतजार देख के जब बना रहा हूँ मैं सब्जी। नई सब्जी इनके हाथ की टेस्ट लगा आज, पता ना कैसी बनेगी। तो आपने एक डायलॉग और आज सुन लिया, आपने सुना होगा, जिन नहीं सुना होगा, जान बचे और लाखों पावत। और भूख लगी तो रसोई ही में आवत। तो इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है डाल रहे हैं। और ये मैं तो दूसरे हिसाब से बनाता हूँ खाना, सब्जी बनाता हूँ, ये पता नहीं कौन से हिसाब से बनाते हैं। ज़्यादा जोर से लग रही है। एक साथ ही सब मिक्सिंग कर देते हैं एक साथ ही। तो दोस्तों आलू की सब्जी बन रही है और रोटी भी बन चुकी है। तो जिस जिसको आलू की सब्जी और रोटी खानी है वहाँ पर आइए। चाय बना कर लाऊं? तो चाय पिएगा, दूध पीना, दूध चाय पिएगा। चल ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आता हूँ। किस किस को बना कर लेकर आऊं? और राज और प्रियंका और वाह मम्मी, मम्मी को भी बना कर लेकर आओ। तो चलिए दोस्तों, आपको भी लेकर चलते हैं। और हमारी मुन्नी ने, हमारी प्यारी बेटी ने एक डिमांड करी है कि पापा आप आज चाय बना कर लेकर आओगे। और ये लो चीनी, चाय पत्ती और बिस्कुट भी इसमें ही हैं। और पापे ऑलरेडी पीछे रखे हैं, ये पापे। तो चलते हैं, आज चाय बनाते हैं बच्चों के लिए। और जब बच्चों ने इतने प्यार से कहा तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और हम जाते हैं अब चाय बनाने, आप भी चलिए साथ में। तो मेरे डियर डार्लिंग हस्बैंड मुन्नी के कहने से अब चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आप भी वीडियो बना रही हूँ मैं। आज कैमरामैन सीमा मीना है एंड सचिन मीना जी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पानी ओनली, दूध दूध। डिब्बा कहाँ छीन लिया? वाइट वाला, पीछे वाला। दिल ना लगे ना लगे ना लगे। मैं तो पीता हूँ नहीं चाय, हम तो बहुत शौक से पीते हैं। तो दोस्तों चीनी डाल दिए, अब इसमें चाय पत्ती जब डालेंगे, जब उबाल आ जाएगा उसके बाद क्या कहते हैं, चीनी ले लो, पत्ती ले लो, सीमा जी की मैं पप्पी ले लूँगा। चलिए तो प्रेम से बोलो राधे राधे। आ देख मेरा दीवानापन, के तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। मेरी जान, मेरे पति देव, मेरे डियर डार्लिंग, मेरे हस्बैंड चाय बना रहे हैं। चाय वाला। आई एम सो लकी के सचिन मीना ठाकुर मेरे हस्बैंड। वो कौन था? तो मुन्नी के लिए चाय बना के लाए, मुन्नी के पापा। मुन्नी का कप भी वीआईपी है।
मुझे फूल गोभी दे में। ओके पापी लेगी बिस्कुट पापे नहीं। ओहो 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 खा लो क्यों भूख को मारते हैं इसमें भूख मारते मारते अब भूख मारेगी भूख क्यों मारते हैं इसमें क्यों क्यों मारते हैं इसमें भूख क्यों मारते हैं नहीं समझ में नहीं आया। तो अब मीडिया वाले आए हैं और हम तैयार हुए हैं ये न्यूज़ नेशन इंटरव्यू करने के लिए आए हैं दो तीन चैनल तब उनसे इंटरव्यू करेंगे और जैसे ये भी व्लॉग नहीं हो गया क्योंकि आज का व्लॉग भी हमारा बन रहा है और मीडिया वाले भी आ गए और मैं हो गई हूँ तैयार। मीना जी तो पहले से ही रेडी थे तो मेरा सूट बनाया था फेवरेट वाला तो वीडियो के साथ बने रहिए अब इंटरव्यू करते हैं उसके बाद दोबारा कुछ इनको तो आप जानते ही होंगे मैं आपका हर इंटरव्यू देखती हूँ नोएडा में कृष्ण जी को मानती हूँ उनका आशीर्वाद हमारे सर पे है ये लोग कुछ भी नहीं भाग सकते। वैसे बर्नी ट्रस्ट की जो बात सामने आ रही है उनकी तरफ से भारत सरकार को पत्र लिखा गया उसको लेकर क्या आपको जानकारी मिली है किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि बर्नी ट्रस्ट बच्चे बेचने का काम करता है तो इससे बड़ा अपराध कोई हो ही नहीं सकता बहुत बड़ा अपराध है और उनसे कुछ हिंदुस्तान के लोग भी मिले हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। मैं यही चाहती हूँ कि उन पर एक्शन हो उनकी जांच की जाए। हिंदुस्तान के लोग भी बर्नी ट्रस्ट से दिन रात बात करते हैं और पाकिस्तान से दिन रात बात करते हैं। मेरा मानना तो यह है कि जो ये मोइन मलिक नेपाल गया था वो मेरे काम से नहीं गया था वो तो अपनी धन दौलत लेने के लिए गया था क्योंकि इंडिया में उनको भेज नहीं सकते भारत में तो वो नेपाल अपने काम से गया था बस बता रहे ये किया वो बेबुनियाद चीज़ें हैं जो वो बता रहे हैं ये उंगली उठाना है इससे साफ दिखता है वो कितना भी झूठा ढोंग करता है। मोइन मलिक ये कहता है कि मैंने हिंदुस्तान की धरती पे जन्म दिया लिया है मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मैं उनको यही कहूँगी तुम हिंदुस्तान में जन्म लेके हिंदुस्तानी हो गए कि हिंदुस्तानी की हेल्प ना करते हुए तुम एक पाकिस्तानी की सपोर्ट कर रहे हो उस पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान के लिए हमेशा बुरा सोचता है तुम उनका भला करने की सोच रहे हो। मुझे लगता है कि कुछ पाकिस्तान के साथ मिलकर लाए बैठे बकवास करते हैं गंदे नलका का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट डाली थी और महिला आलोचना प्रवक्ता वहीं पर मैंने डाली थी उन्होंने कहा कि हम एक्शन उठाएंगे मैं लेटर भी आया था और बहुत जल्दी एक्शन भी दिया जाएगा और जो हमारे पहले वकील थे हेमंत कादर सर उन्होंने बहुत ही गंदे अल्फाजों का प्रयोग है रेगुलर कर रहा है वो पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनको पाकिस्तानियों को भाई बोलता है और मतलब मुझे नहीं पता वो कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करता है मतलब हद होती है लिमिटेड अनलिमिटेड गंदे 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 बहुत ही गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल करता है मेरे लिए मेरे भाई लोग सरजीत सिंह के लिए मीना जी के लिए मेरे भाई के और मेरे रिश्ते के भी मेरे भाई के साथ मेरे रिश्ते में भी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए शर्मा बनता है। आखिरी सवाल ये बताइए कि 10 तारीख को 10 जून को गुलाम हैदर को यहाँ पे आना था लेकिन वो नहीं हो पाए अब जिस ट्रस्ट की आप बात कर रही हो ट्रस्ट के माध्यम से वो यहाँ पे आने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है अगर वो आते हैं तो किस तरीके के जो है आमने सामने होगा। हमारा मैं तो आमने सामने उसको करना ही नहीं चाहूँगी ना मेरे बच्चे करना चाहेंगे वो व्यक्ति ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी अगर कहीं ना कहीं हम यहाँ आए हैं जेल में गए कहीं ना कहीं गुलाम हैदर का भी हाथ है वो हमें ना छोड़ता इस तरह हमें बेसहारा ना करता शायद सचिन मेरी ज़िंदगी में आते ही नहीं और मैं हिंदुस्तान भी नहीं आती तो कहीं ना कहीं उस इंसान का भी हाथ है तो मेरे दिल में उसके लिए नफरत है सिर्फ नफरत ही रहेगी क्योंकि उसने ना मुझे पहले सुख और चैन दिया ना मुझे वक्त सुख और चैन से जीने दे रहा है वो जिसने उसने जैसे कहा था कि मैं इनका हाथ धो के पीछे पड़ा रहूँगा कभी चैन से नहीं जीने दूँगा वो वही कर रहा है तो मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ उस इंसान की शक्ल के लिए देखा किसी ने तो गाइस मीडिया वाले जा चुके हैं और व्लॉग के साथ बने रहिए और बहुत अच्छे मीडिया वाले थे अच्छे सवाल किए उन्होंने हमसे और जो हकीकत थी वही पूछा और जो हकीकत थी हमने वही बताया उनको तो यूं ही प्यार देते रहिए और व्लॉग के साथ बने रहिए। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स जो गलत बोलने वाले उन पर ध्यान मत दीजिए वो सब फेक चल रही है और जो सच देखना है वो सीमा सचिन पेन पे सचिन मीना 367 पे और सचिन मीना फेसबुक पेज पर साक्षात आपको जो चीज सच है
वो सच आपको सब तो वहीं पर मिलेगा। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। ओके, व्लॉग के साथ बनी रहिए, थैंक यू। तो मीना जी जा रहे हैं बच्चों को साथ में लेके। मुन्ना कहाँ जा रही है मेरा मुन्ना? कहाँ जा रही हो? झूला झूलने। और जंपिंग? जंपिंग नहीं, झूला। तुमने झूलोगी जंपिंग? मैं नहीं झूलूंगी। जंपिंग में घूम कर आ गई थी ना तुम? तो दोस्तों बच्चे कह रहे हैं कि पापा झूला कर लेकर आओ। वैसे तो जंपिंग जो कूदते हैं उसमें खेल कर आ गए हैं। अब मेरे भांज के जो चरखा है, चरखे पे बैठने की तरह, तो दोस्तों वहाँ पर लेकर चलते हैं बच्चों को। और आप भी आइए साथ में, वीडियो के साथ बने रहिए। तो ठीक है जी, ये जा रहे हैं तो वे लोग के साथ बने रहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं और बच्चे ये बैठ रहे हैं झूले में। बच्चे बैठ रहे हैं झूले पर। मुन्नी परी अब झूलने झूलोगी? इसी के झूलने की बोल रही थी ना तू, है के दूसरे वाले पर? इसी पे। चलो तो दोस्तों चलाएंगे तो अभी स्टार्ट तो हो जाने दे। ऊपर पहुंच चुके हैं बच्चे, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये रहा पूरा झूला। तो राज भी अभी बैठेगा थोड़ी देर में। ये बैठे मुन्नी और प्रियंका परी, तीनों जने बैठे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़े तेज चलाना, थोड़े तेज चलाना। तो राज भी यहाँ पर बैठ चुका है, राज भी यहाँ पर बैठ चुका है। और प्रियंका और मुन्नी ये बैठी, दोनों ये बैठ रहे हैं। तो राज तो ये रहा, और प्रियंका और मुन्नी ये जा रहे हैं, मुन्नी और प्रियंका। तो देखिए बच्चे भी कितने खुश दिख रहे हैं। तो एक कैमरामैन भी हमारे पास खड़े हैं। कैमरामैन देखिए बाल को दिखा रहे भैया अपने। मुन्नी तो दोस्तों देखिए बीच में खड़ा होके कैसे चला रहा है बगैर जनरेटर के और बगैर उसके। भाई में बड़ा टैलेंट है। और ऊपर खड़ा होके डंडा भाई डंडे पे पैर रखकर घुमा रहा है। हाँ हाँ मम्मी देख रही है। तो राज ये बैठा और रही दोनों बेटियां, तीनों बेटियां, प्रियंका परी मुन्नी। तो यहाँ से मम्मी दिख रही है छत पर, मम्मी को आवाज दे रही है अपने को। छत पर से मम्मी दिख रही होगी इन्हें, घर के पास है ही। तो वो रहे बच्चे झूला झूल रहे हैं, मैं यहाँ से भी देख सकती हूँ अपनी छत से। ये हमारी छत है, ये हमारा घर। और वो रहे बच्चे कूदो कूदो जोर जोर से, बीच में कूदो। मुन्नी
मुन्नी कैसे उठा नहीं जा रहा तुझ पे? थकी तो नहीं है मुन्नी? थक गया क्या? थक गया? हाँ हाँ देखेंगे, चलो। हाँ अभी झूलियो, रुक जाओ, चल तू झूल रहा। अपने मजे में मस्त है बिल्कुल, उससे बच्चों को क्या, बच्चों को अपने मजे चाहिए बस। थक गई इतनी देर में? थक गई हैं? तो पकड़ी पकड़ा चल रही है इनके आपस में। तो हम लोग छत पे बैठे हैं, ऐसे हेलो हाय बातचीत वातचीत चल रही है, सारा परिवार, बच्चे, जेठ साहब, सब लोग हम छत पे बैठे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रील बना रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं मम्मी छत पे हम लोग? जिठानी ठंडी हवा ले रहे हैं, ठंडी हवा ले रहे हैं, मौज मार रहे हैं। हमारी राधा खड़ी है, अभी देखो ये रही हमारी क्यूट सी, स्वीट सी, प्यारी सी नन्नी मुन्नी सी नंद राधा ले, कितनी क्यूट है हमारी नंद, देखो गाइस राधा राधा कर। और हम लोग अभी बैठे हैं, गपशप चल रही है हमारी, बातें बातें कर रहे हैं हम लोग, बच्चे भी खेल रहे हैं। ये रही हमारी राधा रानी, राधा राधा। ये रही हमारी परी और राधा, दोनों की शक्ल सेम टू सेम आप देख सकते हैं। मियां झट जा, मियां झट जा, परी राधा दिखाओ, राधा परी आगे हो जा, राधा। देखिए गाइस परी और राधा की शक्ल सेम टू सेम एक जैसी है। और ये रही हमारी मुन्ना और ये रही माही, ये रहे हमारे कपड़ा फपड़ा पड़े हुए हैं, ये रहे मेरे डियर डार्लिंग हस्बैंड और ये रही मेरी प्यारी सास जिठानी। जिठानी कुछ बोल दे, और अंजलि को दिल कहाँ है? दूसरा दिल के ये कौन है? हर जब मुनि मुनि ये क्या है? ये रहा, ये कौन है? ये कौन है? ये हट जा, हट जा, हट जा, हट जा मुनि, हट जा। सॉरी कुत्ते के मतलब। तो मीना जी बच्चों के लिए ले आए हैं मोमोज, चाउमीन और क्या है मीनो? डोसा। तो ये सब सामान बच्चों के लिए मीना जी लाए हैं। वाओ डोसा इज माय फेवरेट। निकालिए अब तो हम खाएंगे। तो हम लोग डोसा खा रहे हैं। मैं खाने वाले पहले। गाइस टाइम पे आ गई है। हाँ ठीक है भैया, ओके भैया। ठीक है भैया, तो अब वीडियो का हम एंड कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, यूँ ही प्यार देते रहिए। और आप लोगों ने साबित कर दिया, जो लोग कहते हैं कि सीमा को कौन प्यार करता है, मेरे भारत के लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे मीना जी को भारत के लोग प्यार करते हैं। और इस तरह हमारे 25 लाख कोई आम बात नहीं है, आप लोग हमारे लाइव में डेली मिलियन से ऊपर व्यूज जाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आप सबका, यूँ ही प्यार देते रहिए आप सब लोग। तो बस अभी बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, हमने भी खूब इंजॉय किया। अभी मीना जी वाले गए हुए थे वहाँ पे, तो हम पीछे से हम लोग भी वो इन लोगों की झूले की वीडियो बनाई, वो भी हम इसमें डालेंगे। और मीडिया वाले भी आ गए थे आज, वो भी आपने देखा। और आज रात मैच है, प्रार्थना कीजिएगा कि भारत जीते, फिर वो कल भी वीडियो डालेंगे। और बाकी सब लोग अच्छा है और सब अच्छे से चल रहे हैं, यूँ ही प्यार देते रहिए। एक बार फिर हिंदुस्तान सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यूपी पुलिस का धन्यवाद करते हैं, यहाँ की अदालतों का धन्यवाद करते हैं, यूपी सरकार का धन्यवाद करते हैं, और जो भारत सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, हम योगी मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हम योगी मोदी जी ग्रेट नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, और औरतों को यहाँ पूरे से पूरा अधिकार मिलता है, जैसे हमें भी मिल रहा है। और मैं आप सबके शरण में हूँ, आप अपने भारत के सनातनी भाई बहनों के शरण में हैं, मैं और मेरे बच्चे हिंदुस्तान के शरण में हैं, योगी मोदी जी के शरण में हैं, श्री कृष्ण जी के शरण में हैं। तो यूँ ही प्यार देते रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।